हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास जेपीएम मिंडा कंपनी की 150 एम्पियर की 60 मंथ वाली बैटरी है, जिसको लगभग 5 साल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी उस टाइम शॉप नहीं थी, मेरी शॉप को लगभग 4.5 साल हुए हैं। और ये बैटरी जो है कस्टमर ने और कहीं से ली थी, फिर कस्टमर मेरे पास जुड़ गया था मुझसे और बैटरी लेने पर। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी को समथिंग 5 साल हो गई है चलते हुए इन्वर्टर पर। इस पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है, इसलिए ये 5 साल चल गई है। क्या फ्रेंड्स, ये और चल सकती है या और नहीं चल सकती है, या जो है वो कुछ बैकअप देती रहे और कुछ साल तक चलती रहे। फ्रेंड्स, ये सब कैसे करना है और क्या करना है जो कि हमारी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाए, और हमारे पास जब बजट हो तब हम बैटरी को ले लें। क्योंकि ऐसा होता है, कंपनी की जब बैटरी खराब होती है तो बिल्कुल खराब होती है, तो फ्रेंड्स एकदम ही खराब होती है। जैसे आपका इन्वर्टर दोपहर में चल रहा है, और अगर आपकी कंपनी की ल्यूमिनस या लिपगार्ड या किसी बढ़िया कंपनी की बैटरी लगी है, तो शाम को हो सकता है कि आपके घर इन्वर्टर ना ऑन हो। ऐसा अक्सर हो जाता है कंपनी की बैटरी के साथ। और लोकल बैटरी में ये होता है कि जैसे धीरे धीरे हल्के हल्के उसका बैकअप कम होता जाता है, और एक दिन उसका बिल्कुल बैकअप खत्म हो जाता है। कंपनी की बैटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खत्म हो जाती है तो एक बार में खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 150 एम्पियर की बैटरी है, ये अच्छी कंपनी की बैटरी थी, तो ये 5 साल चल गई है। अगर कोई लोकल कंपनी की 150 एम्पियर की बैटरी होती और 30 महीने की या 36 मंथ की गारंटी वाली बैटरी, वारंटी वाली बैटरी होती, तो वो शायद आज से 2 साल पहले खराब हो चुकी होती। तो फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले जो बैटरी का चेक करना है कि बैटरी की गारंटी कितनी है। मतलब अगर आप अपनी बैटरी को अच्छे से मेंटेनेंस करते हो, अच्छे से पानी डालते हो, और टाइम टू टाइम पानी डालते हो, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, और इस पे जो कार्बन वगैरह आ जाता है अगर उसका ध्यान रखते हो, तो आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो और थोड़ी सी बढ़ सकती है, और लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम इस बैटरी की गारंटी देखते हैं कि कितनी बैटरी की गारंटी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बैटरी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस टाइम इसकी गारंटी जो है वो 1150 गारंटी है। अभी मैं मशीन लगाकर इस पे बोल्ट चेक करता हूँ कि कितने बोल्ट है, मेरे पास मशीन भी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और बैटरी को कैसे सही करना है। मशीन देखिए लगाते हैं पहले। फ्रेंड्स, ये जो है वो लोड टेस्टर मशीन है, इसकी मदद से हम बैटरी को सही है या खराब है ये जान सकते हैं। इसमें 3 LED लाइट्स होती हैं, एक खराब की, एक ओके की, एक बीप की, और उसके साथ साथ एक डिजिटल मीटर भी होता है जिसमें हमें बैटरी के वोल्ट पता चलते हैं कि बैटरी के वोल्ट कितने हैं, और एक दबाने वाला, पुश करने वाला स्विच होता है। इसे 5 सेकंड तक दबाना है और पता चल जाएगा कि बैटरी खराब है या सही है। सबसे पहले हमें प्लस वाला, रेड वाला प्लस में लगाना है बैटरी के, और ब्लैक वाला माइनस में लगाना है। ये मशीन आपको हर बैटरी वाली दुकान पर समथिंग मिल जाएगी। तो अभी तो इस टाइम इसके जो है वो 9 वोल्ट आ रहे हैं, 9 वोल्ट, यानी अभी हम इस पे लोड नहीं डाल सकते क्योंकि इसके वोल्ट कम है। इस टाइम इसके गिरफ्टी के हिसाब से इसके 11 11.5 वोल्ट होना चाहिए थे, बट इसके वोल्ट कम है। कुछ हद तक चांस है कि इसकी जो है वो तेजाब डालने से, फ्रेंड्स तेजाब डालने से इसका जो है वो चल सकती है, कुछ परसेंट चांस है। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल खराब हो गई है तो आप एक शॉप पर जाइए बैटरी की, वहां से 1200 गारंटी का तेजाब लेकर आइए, लगभग 20 रुपए लीटर मिलेगा, वो अपनी बैटरी में डालना है, और उसके बाद टेस्ट करना है कि बैटरी, मतलब डालना है, फिर चार्जिंग पे लगाना है, उसके बाद आप आराम से कुछ बैकअप पा सकते हो। ये नहीं कि आपकी फ्रेंड्स ज्यादा साल नहीं चलेगी, बट कुछ हद तक साल या 1.5 साल या 2 साल फ्रेंड्स चल जाएगी आराम से। तो इसमें मैं इसको निकाल कर 1200 ग्रेफ्टी का तेजाब फिल करूंगा पूरी बैटरी में, उसके बाद पैनल पर लगाऊंगा 300 वाट पैनल पर 2 दिन लगातार। उसके बाद इसके वोल्ट वगैरह कितने आ रहे हैं और कितना बैकअप दे रही है, बैकअप फिलहाल 100% बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी जब खराब हो जाती है तो उसमें ज्यादा मात्रा, जैसे हमने पानी की ज्यादा मात्रा डाल दी है, पानी ज्यादा मात्रा में डाल दिया है या ऊपर तक भर दिया है पानी, तो ग्रेफ्टी गिरने के कुछ परसेंट चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसके जो है वो वोल्ट कम आ रहे हैं, तो इसमें हमें पहले इस बैटरी को चार्ज करना है, इसकी गिरफ्टी 1250 लाना है। ठीक है, मतलब इसकी 1250 लाना है। इसका हम चेक करेंगे कि कितना बैकअप है, अगर बैकअप नहीं देती है बिल्कुल, फिर हमें जो है बैटरी को डाउन करना है, पूरी बैटरी को डाउन करना है, और बिल्कुल डाउन कर लेना है, और उसके बाद
1200 ग्रिट्टी का चार्ज वाला तेजाब डालना है और फिर हमें चार्जिंग पे लगा देना है। इससे बैकअप बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये 60 मंथ वारंटी वाली बैटरी 150 की जेपीएम मिंडा की है। अच्छी बैटरी है। अगर आप नहीं लेना चाहते नई इन्वर्टर वेटर लेना चाहते हो तो मिंडा की बैटरी और मिंडा का इन्वर्टर ले सकते हो या माइक्रोटेक का इन्वर्टर ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा और कोई नॉलेज चाहिए तो आप इस इंस्टाग्राम की आईडी पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर और कोई नॉलेज चाहिए तो भी आप इंस्टाग्राम की आईडी देख रहे हो तो जाके मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। और कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके वोल्ट कितने हैं, गारंटी कितने हैं और कितना बैकअप हमें मिल रहा है। इस टाइम जो बिल्कुल खराब बैटरी हमें लग रही है, और अगर कोई और भी चेक करेगा तो वो भी ये इस बैटरी को खराब ही बताएगा, क्योंकि बैटरी इस टाइम खराब की कंडीशन में 5 साल हो गए चलते हुए। और अगर हमने तेजाब डाल के इसे चला लिया तो साल, 1.5 साल, 2 साल आराम से और चल सकती है, अगर इसका थोड़ा बैकअप मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके घर पर लोकल बैटरी है तो अभी आप ये ट्रिक कर सकते हैं, तेजाब डाल के उसको सोलर पर लगा सकते हैं। कंपनी की बैटरी है तब भी ये ट्रिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फटाफट हम चलते हैं नई वीडियो तक। फ्रेंड्स, बाय बाय।